होगी। लेकिन बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एसपी में बड़ी टक्कर। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी से आगे निकली समाजवादी पार्टी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे, बीजेपी 33 सीटों पर आगे है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं, उनमें यहां पर बड़ा उलटफेर लगातार हो रहा है। कंचन, बिल्कुल अनुपम, ये बहुत बड़ा उलटफेर है। और आप कहिए, ये जो जीत की दिशा निकल रही है, ये समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है। और लगातार इसीलिए अखिलेश यादव जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करे जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इतने से खुश नहीं है। उनका मानना ये है कि जो आपने एग्जिट पोल में, जिसको आपने एग्जैक्ट पोल बताते हुए, उन्होंने मीडिया के ऊपर काफी सवाल भी किए थे, कटाक्ष भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये मीडिया का पोल है, ये बीजेपी का पोल सीधे तौर पर मीडिया ने खुद से बनाया हुआ है, जो उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। जब 1 तारीख को एग्जिट पोल आए थे, उस पर अब सीधे आप कह सकते हैं जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, जो थोड़ी देर के बाद नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, इससे गदगद होंगे अखिलेश यादव। क्योंकि एक बड़ा एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया, हर किसी ने कांग्रेस पार्टी को नकारा और कांग्रेस पार्टी में उसको एक सीधे तौर पर, एक डेंट के तौर पर आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस जिसके साथ जुड़ती है उसको नुकसान पहुंचाती है। प्रियंका जी मुझे सुन रही है, नेहा यादव, अनुपम नेहा यादव हमारे साथ इस समय मौजूद है। नेहा यादव जी, आपका इस पर रिएक्शन लेना कि कांग्रेस को हर किसी ने पनौती का, जिसके साथ जाती है उसको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आपको तो फायदा पहुंचा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और आज हम लोगों ने मिलकर के एकजुट ताकत से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो गया है। जनता ने सिरे से उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गया है, इनके फटाफट 67 के बाद अब खदेड़ा दे रही है। लगभग 30,000 वोटों से पीछे चल रही है, जो 13 रुपए किलो चीनी की बात कर रही थी। जनता ने उनका असली चेहरा पहचान लिया, और बुरी तरह स्मृति ईरानी हार रही है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपनी संसदीय सीट से पीछे थे, और मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही, हो सकता है वो भी चुनाव हार जाए। और दिग्गज आपके फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार रहे हैं चुनाव। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, शाम तक नतीजे आते आते इंडिया गठबंधन 65 से ज्यादा सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी 10-15 सीटों में समेट जाएगी अपने इंडिया अलायंस के साथ। नेहा जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का स्कोर है, इंडिया अलायंस 43 पर आगे बढ़त बनाए हुए है और एनडीए 36 पर, आप क्या स्कोर फाइनली मानती हैं कि जब रिजल्ट्स पूरे सामने आएंगे तो स्कोर कितना होगा आपके पक्ष में? देखिए, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा शाम होते होते तक, और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्रीय दलों में से निकल के उभर के आएगी। अभी ही देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है इलेक्शन कमीशन की साइट पे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की लीडिंग चल रही है। और हम 50+ सीटों की तो बात हमारे नेता ने की थी, जो हमारे सर्वे में 50+ सीटें हम जीतने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो रुझान आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और जो रुझान जनता के वोट से सामने आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम 60 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। और आप 60 से ज्यादा, प्रभात त्रिपाठी जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, अगर ये जो अभी स्कोर हम दिखा रहे हैं, ये टैली दिखा रहे हैं, अगर इसी को अभी हम रुझान को परिणाम में तब्दील कर लें, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत यहां से एक नए दौराहे पर, नए मोड़ पर नजर आएगी, और 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा तब शायद स्थितियां और विपरीत हों, और भारतीय जनता पार्टी को अब यहां पर अपने को और ज्यादा प्रूफ करना होगा? 2022 के चुनाव में वरिष्ठ प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे देखिए, निश्चित तौर पे 2009 का, प्रभात जी मैं आपको माफी जी रोकना चाहूंगी, पवन गौड़ के पास जाएंगे, उनके पास एक बड़ा अपडेट है। पवन, बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद हैं, क्या अपडेट है पवन? देखिए, जिस तरह से लगातार जो है वो जो रुझान जो है वो बहुत ज्यादा बीजेपी के पक्ष में दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसे में तमाम जो नेता और कार्यकर्ता जो हैं उनका उत्साह कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अब जो आ रहे थे उनका आना कम हो गया है। जो कार्यकर्ता सुबह से धीरे धीरे आप बीजेपी दफ्तर पहुंचने लगे थे, उनका जो है वो आप तस्वीर देख सकते हैं कि तकरीबन बीजेपी मुख्यालय में जो है अब सभी जो कार्यकर्ता जो पहुंच भी गए हैं वो कहीं ना कहीं अब बैठ के टीवी देखने लगे हैं। उनका पर्पज यही है कि जब तक रुझानों में कुछ बदलाव नहीं आएगा
तब तक वो बहुत ज्यादा यहाँ उत्साह देखने को मिलेगा नहीं। लगातार जो है वो बीजेपी मुख्यालय में आप देखते हैं जश्न की तस्वीरें आती है, सुबह भी बहुत सारे लोग, कोई हवन कर रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, लगातार तैयारियां हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने मन मुताबिक देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें जो है वो यहाँ की लगातार हो रही है। आपके पास लाइव आई थी तो पीछे काफी गहमा गहमी थी, बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे, चूंकि आप बीजेपी दफ्तर के बाहर इस समय मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ से लोग छटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभात जी बहुत शॉकिंग है ये, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रुझान जो है जिसमें सीधे तौर पर देखिए पिछड़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, मान के चल सकते हैं हम कि बीजेपी भी अब समझ रही है, एनडीए समझ रहा है। देखिए कंचन जी, अनुपम जी ने जो सवाल किया, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश एक 2027 की एक स्क्रिप्ट दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह 2009 में मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तब समाजवादी पार्टी ने मैक्सिमम सीटें इस देश में पाई थी और बड़ी पार्टी के रूप में थी। बिल्कुल प्रभात जी, हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। रोहित जी आइए, रोहित जी आ गए यहाँ पर, देखिए रोहित जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका यहाँ पर स्वागत। इस तरीके से पूरा चुनावी जो परिणाम यहाँ पर उम्मीदवारों में अभी तस्वीर में सामने आ रही है वो, और रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। लगातार न्यूज 18 की मेगा कवरेज जारी है और जिस तरीके से शुरुआती रुझान अभी सामने आ रहे हैं, अब देखना यह होगा कि परिणामों की जब तस्वीर या बारी आती है तब उसमें क्या होता है। और राष्ट्रीय आयोजक है युवा चेतना के, आप रोहित जी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो तस्वीर अभी उभर रही है टैली में, भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद लगाकर रखी थी उस उम्मीद पर यह टैली बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्या स्टेटमेंट आपका? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश का वैभव बढ़ा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए 2017 से लगातार मोदी जी ने प्रयास किया है। अभी ये शुरुआती रुझान है, एक आध घंटा और प्रतीक्षा कीजिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की गरीब वंचित सम्मानित जनता ने माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये हैट्रिक वाले कैंडिडेट के हम आंकड़े दिखा रहे हैं जो कि जीत की हैट्रिक मारने के लिए मैदान में है, लेकिन ये पिछड़े हुए हैं इस पर तो आप कह सकते हैं, और वे अच्छे खासे मार्जिन से पिछड़े हुए हैं। मैडम निश्चित रूप से अभी जो रुझान आ रहे हैं वह विचारणीय हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बजने दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता के मताधिकार का प्रतिफल माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाता दिखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बुद्धिजीवी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। निश्चित रूप से रुझान प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जाएंगे और निश्चित रूप से हिंदी गठबंधन के अहंकार का हवन निकलेगा। 8 बजे से लेकर 3.5 घंटे काउंटिंग को हो चुके हैं, प्रभात जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अनुभव। प्रभात जी आपको लगता है कि एक जो फिगर 3.5 घंटे में सामने आई है, क्या एक बड़ा उलटफेर अब यहां से देखने को मिल सकता है या बनस्पत इसके आसपास ही एक तस्वीर रहेगी? नहीं देखिए अनुपम जी, मैंने कहा अभी जो 4-5 केंद्रीय मंत्री जो 30-35 हजार से जो पीछे चल रहे हैं ये एक चिंता का विषय है। मैंने टिकट बंटवारे की बात सबसे पहले आपके उसमें उठाई थी मैंने, और जो आपने सवाल किया जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे, देखिए नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये एक शाम तक उनको विचार करना पड़ेगा, लेकिन नुकसान मुझे नहीं लगता है कि जो टैली अगर ये सामने परिणाम में तब्दील होती है तब तो भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50-55 डेंट लगता हुआ दिख रहा है, इस बात को झुठला नहीं सकते डॉक्टर परमजीत जी। लेकिन कंचन जी, कंचन जी अभी टैली बदलेगी भी, ऐसा नहीं है कि बदलेगी नहीं, मान रहे हैं, मान रहे हैं, मीडिया यहाँ पर बैठा ही इसलिए, हम पत्रकार बैठे इसलिए कि जो सत्य है, लेकिन जो 5 केंद्रीय मंत्री पीछे जा रहे हैं, 400 पार नहीं दिख रहा, 400 पार नहीं दिख रहा। डॉक्टर परमवीर जी जब मोदी जी की बात होगी तो राहुल जी की बात तो होगी ही होगी, एक रिएक्शन आपके साथ लेना चाहेंगे, रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त, यूपी में समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे, बड़ा अपडेट यहां पर आया, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे, तो कांग्रेस पहले 8 पर थी अब 7 पर आगे हुई है। बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर, यहां पर यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले दर्शकों तक ये हम बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है उसको हम पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल स्कोर बोर्ड में जो स्कोर, 37 एनडीए इंडिया अलायंस, 42 नेहा यादव हमारे साथ बनी हुई है। नेहा यादव सवाल यहां पर गए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने जिस तरीके पर ग्राउंड पर काम किया, साझा रैलियां भी की, क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस बात को भांप गए थे कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है या मूड है, उसको अपने फेवर में कैसे करना है? देखिए पीडीए की रणनीति और इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में काम कर, और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो गया, वो इसलिए किया, जनता ने किया है, ये जनता का जनादेश है।